हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राधिका, राधिका की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, ये भी पौधा मैं कोई मुझे दिया था, ये मैं खरीदी नहीं हूँ। देख लीजिए, ऐसा पौधा हमारे यहाँ ये बहुत हो गया है, कटिंग से मैं बहुत ज़्यादा इसको बना लूँ। ये धूप में था इसीलिए इसका कलर पत्ती का इस तरह से है। इसे आप छाया में रखेंगे तो इसकी पत्ती बहुत गाढ़ा हरा हो जाएगा और लंबा लंबा लगी लगी पत्ती होगी। और धूप में रखने से इसकी पत्ती छोटी छोटी और कलर भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा धूप में नहीं, थोड़ा थोड़ा धूप लगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों, ये धरती हम सभी के लिए है और हम अपने दम पे अपना जीवन नहीं जी सकते। दोस्तों, हमारा अस्तित्व हमारे आर्थिक गतिविधियों से नहीं है। फिलहाल हमें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि देश विकास दर के आंकड़ों की वजह से हमारा देश सुधरेगा। नहीं, हम यहाँ अच्छे से तब जी पाएंगे दोस्तों, जब सब कुछ हरा भरा और सुंदर होगा, बहता पानी उपलब्ध होगा और हवा शुद्ध होगी। इस विचार को हर मनुष्य और हर नागरिक और हर बच्चे के मन में बसना होगा। आपको मनुष्यों के अलावा जीवन के अन्य रूपों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग मनुष्यों के प्रति भी जागरूक नहीं होते, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज़ के प्रति जागरूक होना चाहिए जो जीवंत है। एक पेड़, एक पौधा, एक पत्ती, एक उछलता हुआ झींगू, हर तरह की चीज़ें, आपको हर तरह की चीज़ों के प्रति जीवंत होना चाहिए। हमारे आसपास की हवा लगातार हमारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, और यही हमारे जीवन का आधार है। सांस जब हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसे पेड़ अपने भीतर ले रहे हैं, और जो सांस पेड़ बाहर छोड़ते हैं, उसे आप भीतर ले रहे हैं। ये लेन देन बराबर चलता आ रहा है। अगर हम सांसों की प्रतिक्रिया को 1 मिनट के लिए भी रोक दें तो समझ जाते हैं कि आसपास की हवा से लेन देन किए बिना हम एक पल के लिए भी नहीं जी सकते। दोस्तों, इसी तरह से जल और पृथ्वी के स्तर पर भी ये लेन देन चलता रहता है। तो हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के जलाशयों को किस तरह से रखते हैं, ये हमारे जीवन की प्रकृति और जीवन की गुणवत्ता को तय करेगा। हमारा पर्यावरण ही हमारा जीवन है दोस्तों। ठीक है, अब मैं वीडियो बंद करती हूँ।